आपको घर में इस्तेमाल करने के लिए एक आध अच्छा सा टोनर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान। वार्म तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो गर्मियों के सीज़न में जो भी काम आप कर रहे हैं वो लगता है वार्म होता जा रहा है, हीट अप होता जा रहा है। उसमें एक बहुत बड़ा इशू जो कि सब फेस करना शुरू हो जाते हैं, दैट इज़ ऑफ डायलेटेड या ओपन पोर्स। लगता है जैसे सारे के सारे पोर्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं और अब इनका बनेगा क्या। रोज़ लगता है कि पहले से ज़्यादा ओपन पोर्स हो गए हैं। नहीं भी होते तो तब भी लग रहे होते हैं कि बहुत खुले हुए लग रहे हैं, और जिनके पहले ही होते हैं उनको लगता है कि ये तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा होता जा रहा है या इशू ज़्यादा होता जा रहा है। इसमें हम कहते हैं कि आप घर के अंदर टोनर्स को जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। टोनर्स जो होते हैं वो आपकी स्किन या आपके पोर्स को टोन करने के लिए होते हैं, मतलब उनको जो है वो फैलने नहीं देते हैं। बट इसके अलावा आपकी रूटीन में ऐसी चीज़ें और भी होनी चाहिए आपके लाइफस्टाइल में जिससे आपके ओपन पोर्स जो हैं वो ना हो सकें। बहुत सारे लोग जो हैं वो घर में जब खाना बनाते हैं तो वो बिल्कुल उसके ऊपर होते हैं, स्टोव के ऊपर, और खड़े होकर बना रहे होते हैं और बहुत सारी स्टीम आती है, और इतनी स्टीम में जो है, इतनी भाप में जो है, वो आप ये सोचें कि आपके पोर्स जो हैं वो सही रह सकेंगे, ये बहुत मुश्किल है। एज के साथ वैसे भी पोर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डायलेट होते हैं। पोर्स को ख़त्म नहीं किया जाता, पोर्स को टाइट या टॉट रखा जाता है या टोन्ड रखा जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि टोनर्स को यूज़ करें। आपको घर में इस्तेमाल करने के लिए एक आध अच्छा सा टोनर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप खीरे का जूस जो है वो निकाल सकते हैं। खीरे को कद्दूकश कर लें और फिर मलमल के कपड़े से उसका जूस जो है, उसका पानी जो है वो निकाल लें, उसको शीशे की स्प्रे वाली बॉटल के अंदर जो है वो आप डाल लें। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर एलोवेरा भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, बट आई डोंट प्रेफर, बिकॉज किसी की स्किन को वो चाहिए होगा, किसी की स्किन को नहीं चाहिए होगा, बट ये बहुत अच्छा काम करेगा। आप इसको दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप इसको बर्फ़ बनाने वाले सांचे में जिसमें बर्फ़ बनाते हैं उसमें डाल लें इस पानी को, और एक क्यूब निकालें और उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप मलना शुरू कर दें, एक मिनट काफ़ी होगा। या फिर आप इसको स्प्रे की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको कहा, स्प्रे बॉटल में डाल के फ्रिज में रख दें और ठंडा स्प्रे जो है वो उस बॉटल के थ्रू आप कर सकते हैं। ये दोनों टिप्स जो हैं ये तो आप घर में इस्तेमाल करेंगे। लेट सपोज़ कि आप किचन में काम कर रहे थे और अब आप फारिग हो गए हैं, तो किचन से फारिग होने के बाद जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सीधा जाके ठंडे पानी से मुंह ना धोना शुरू कर दें, पहले इसको यूज़ कर लें और उसके जब बॉडी का टेम्परेचर, फेस का या बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए उसके बाद फिर आप जाके जो है वो अपना मुँह धोएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम आ जाते हैं कि बहुत दफ़ा घर के अंदर कुछ चीज़ें यूज़ करने के बावजूद आपके पोर्स जो हैं वो इसी तरह डायलेटेड या खुले रहते हैं, वो टोन नहीं होते, टाइट नहीं होते। उसमें हमने क्या करना है? इसमें डिफरेंट तरह के ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास क्लिनिक में अवेलेबल हैं। इसमें समटाइम्स स्किन को देखते हुए हम केमिकल पील भी करते हैं। ये वो वाली केमिकल पील नहीं है जो ऊपर से आपकी स्किन उतारेगी, फिर 15 दिन के अंदर नई स्किन आएगी और वो कैसी होगी या उसके अंदर सेंसिटिविटी ना आ जाए, ये ऐसी पील्स नहीं होती हैं। ये ऐसी पील्स होती हैं जो विद इन योर स्किन जो है वो आपकी स्किन को रिपेयर करती हैं, स्किन के अंदर जाके रिपेयर करती हैं, ऊपर से स्किन को नहीं उतारती। उसके अलावा जो है हम और जो प्रोसीजर्स करते हैं उसमें लेज़र के थ्रू करने वाले प्रोसीजर्स हैं। ये ऐसे प्रोसीजर्स नहीं हैं जिससे आपकी स्किन जो है वो कुछ दिनों के लिए ख़राब रहे, मतलब इनका डाउन टाइम नहीं है और उसके बाद ठीक हो या रिजुविनेट हो, मतलब ये 2 से 3 घंटे में अपने आप को स्टेबल कर लेती है। ये एक तरह से सॉर्ट ऑफ हम इसको लंच टाइम प्रोसीजर ही कहते हैं, जिसमें आपको बाद में स्किन को रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं चाहिए और स्किन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो 1-2 घंटे में स्टेबल हो जाती है। ये प्रोसीजर्स जो हैं ये एक दफ़ा भी किए जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी स्किन कैसी है। और ऐसा भी होता है कि हमें इसके सेशंस करने पड़ते हैं। कितने सेशंस? यूजुअली जो है वो 3 से 4 सेशंस जो हैं वो किए जाते हैं। 4 से ज़्यादा हार्डली कभी किसी के करने की ज़रूरत पड़ती है, वो वैसे ही ठीक रहते हैं। और उसके साथ आपको घर में लगाने के लिए जो कि आप अपनी डेली रूटीन में चीज़ें रखें वो आपको दी जाती हैं। वो क्यों ज़रूरी होती हैं? वो इसलिए ज़रूरी होती हैं बिकॉज हमने तो एक दफ़ा प्रोसीजर करके आपको घर भेज दिया है, अब आपकी स्किन आपके हाथ में है। अगर आप सिर्फ खाली उस प्रोसीजर के ऊपर चलना चाहते हैं तो वो तो फिर आपको ऑन गोइंग लेते रहना पड़ेगा। इसलिए हम हर वक्त आपकी स्किन आपके साथ होती है, तो आपको ज़रूर ऐसी चीज़ घर में कोई ना कोई ज़रूर दी जाती है जिससे आप मेनटेन रख सकें। जैसे हमने ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर दिया, आपके ओपन पोर्स हमने ठीक कर दिए, नाउ दे आर टोन्ड, नाउ दे आर टॉट, तो अब क्या होगा? अब आपने उसको सही तरह से जो रखना है या चलाना है वो आपने खुद करना है, तो वो आप अपने पास घर में जितने भी प्रोडक्ट्स आपको दिए जाते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं।
इसमें माइक्रोडर्माब्रेजन को यूज़ किया जाता है, केमिकल पील के साथ भी करते हैं। इवन माइक्रोडर्माब्रेजन हम उस वक्त भी यूज़ कर सकते हैं जिस वक्त हम, ये एक्सफोलिएशन के लिए यूज़ होता है माइक्रोडर्माब्रेजन, और ये उस वक्त भी हम यूज़ कर सकते हैं जब हम बाद में लेज़र करना चाहते हैं, लेज़र के थ्रू आपके पोर्स को ट्रीट करना चाहते हैं। और ये कोई भी करवा सकता है, इवन यंगस्टर्स भी करा सकते हैं, मेल भी करवा सकते हैं, फीमेल्स भी करवा सकती हैं। तो आई थिंक सो कि आपको इसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और कुछ एहतियाती तदाबीर और घर में यूज़ करने वाली टिप जो है वो भी मैंने आपको दी है, वो भी आप यूज़ करेंगे और अपनी स्किन को जो है वो हेल्दी और अपने पोर्स को जो है वो टोन अप रखेंगे।